खबर रीवा जिले से है, जहां बेवा महिला अपने बच्चे और बच्ची के साथ न्याय के लिए पुलिस और राजस्व का चक्कर लगा रही थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिला। बात मीडिया में पहुंची तो खबर चलने के बाद बौखलाए लोगों ने ताबड़तोड़ डंडे से हमला कर दिया। दरअसल मामला गढ़ थाना क्षेत्र के लाल गांव का है, जहां शकुंतला गुप्ता नाम की महिला ने फरियाद लगाई थी कि उसे बांस का भीरा काटने को लेकर कुंजमणि, श्रवण प्रखर और अन्य लोग आए दिन मारपीट करते हैं और धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने तो कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन मीडिया जब उसकी आवाज बनी तो उससे बौखलाए लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया है। आप भी देखिए किस तरह से न्याय के लिए भटक रही महिला को लाठी डंडों से पीटा गया है। बताया जाता है कि घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए आपको हम दिखाते हैं पूरी घटना, फिर सुनाएंगे महिला ने क्या आरोप लगाए थे। पुलिस वाले कहीं बोल देते हैं, रोक देते, खुद है पुलिस वाले जाके रोक देते। हाँ, कल काम लगा किनके रोक दिन। 2 बजे से काली होती 5 बजे तक रहा ना जुगा वाहन, 5 5 5 बजे तक। प्रमोद कुमार पिता के नाम दिवा दिया है कि 20 साल पहले जमीन ले रहे पिताजी। अब आधा धूरा का कहावत है, उनके सहमत से बनबाबे के मिला रहा, बनबा लेने रहे। अब बांस के भीरा एक भी कट गया रहा है, अब दोबारा फिर से झाड़ के रूप में तैयार हो गया, तो फिर एसडीएम साहब के यहाँ से फैसला हो गया अपने पक्ष में। लेकिन तीसरा जिनसे जमीन लेना, जिनसे बांस लेना है, उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, तो बांस कटवावे के आदेश है, तैयार है मां। लेकिन तीसरा आदमी उनका परिवार जो है, कुंजमण मिश्रा, श्रवण मिश्रा, सनी मिश्रा और प्रखर मिश्रा, और कुंजमण की पत्नी, पूरा परिवार लाठी लेके बराबर चला आवा था, लड़ाई झगड़ा करे। लाल गांव चौकी के हैं, गढ़ थाना में दी हैं, एस पी ऑफिस में तैयार हैं, और महिला थाना में भी साथ में गए थे। होएगा बस इतने आश्वासन दे के टाल देते, होएगा। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए, और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।